तो खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे संगठन के चीफ अमृतपाल सिंह के पंजाब में होने की संभावना जताई जा रही है और अमृतपाल के पंजाब में होने के दावे के बाद पंजाब पुलिस होशियारपुर में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और ये बताया जा रहा है कि अमृतपाल पंजाब पुलिस को एक बार फिर चकमा देने में कामयाब हो गया और इसी बीच अमृतपाल सिंह का प्लान भी सामने आ रहा है। जी हाँ, अमृतपाल सिंह एक इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देने के लिए जालंधर वापस जा रहे थे और उसका प्लान ये था कि वो पहले इस पूरे मामले को लेकर बयान देंगे और फिर पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर कर देंगे, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी हो गई और उसका प्लान खत्म हो गया। बता दें कि पंजाब पुलिस की एक यूनिट अमृतपाल की पंजाब नंबर की इनोवा गाड़ी का पीछा कर रही है और ड्राइवर ने गाड़ी भगाकर होशियारपुर जिले के गांव में घुसा दिया और उसके बाद गाड़ी को चालू हालत में छोड़कर गाड़ी में सवार दोनों संदिग्ध दीवार कूदकर भाग गए। हालांकि इस तरह गाड़ी को छोड़कर भागने वाले कौन थे कोई भी नहीं देख पाया और अमृतपाल होशियारपुर में एक बार फिर चकमा देकर पुलिस नाका तोड़ भाग गया और जिसके बाद सहयोगी पपलप्रीत और एक सहयोगी भी उनके साथ भागा। फिलहाल पंजाब पुलिस की टीमों ने आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।